एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? बहुत ही लंबा डिस्टेंस हो गया हमारा ब्लॉग आने में, है ना। सॉरी चाहते हैं, क्योंकि ना मम्मा के पास टाइम ही नहीं मिलता है ना, इसके लिए ना हमारा ब्लॉग नहीं आ पाता है टाइम पे। और अभी ना इवनिंग टाइम पे हम लोग ऐसे यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैं आई हुई हूँ डांस क्लास पे और डांस का प्रैक्टिस हो रहा है। बट यहाँ पे ना आज मुझे डांस करने में ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, मन ही नहीं हो रहा था करने का। तो मुझे डांस करने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था आज, तो मैंने ज़्यादा डांस किया भी नहीं। उसके बाद वहाँ से निकल चुके थे हम लोग डांस क्लास से, और वहाँ से निकलने के बाद ना मम्मा को मैं बहुत ही परेशान करके रखी हुई थी। मेला चलो मुझे, क्योंकि पता चल गया था कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है, क्योंकि एक आंटी ना मम्मा से बात कर रही थी कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है, चलेंगे कभी। तो इसके लिए ना मुझे तो सुनाई दे दिया था, मैं तो सुन चुकी थी कि मेला सच में लगा हुआ है। तो फिर मम्मा को परेशान करके रखी हुई थी। फिर डांस क्लास से निकलने के बाद ना हम लोग आ गए थे यहाँ पे मेला। यहाँ पे आए थे तो तब तक पापा का भी ऑफिस ख़त्म हो चुका था। तो फिर पापा भी ऑफिस ख़त्म करने के बाद ना डायरेक्ट मेला ही आ गए थे हम लोगों के साथ इंजॉय करने के लिए और हम लोगों का साथ देने के लिए। तो मैं और मम्मा सिर्फ अकेले ही थी, तो इस पापा आ गए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया था। और हम चिल्ड्रेंस अगर मेला जाए और वहाँ पे हम सब झूला पे ना बैठे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। चलो सारे चिल्ड्रेंस ने कमेंट करके ज़रूर ही बताना कि आप सब मेला जाते हो तो क्या, कौन सा टॉय कार में या झूला, कौन सा झूला पे आप लोग ड्राइव करते हो, ज़्यादा मज़ा आता है करने में। मैंने तो बहुत सारा झूला ट्राई किया था, बहुत ही सारा झूला ट्राई किया, बहुत मज़ा भी आया था सच में। क्योंकि ये कार वाला जो झूला था ना, ये मैं बचपन से बहुत बार झूल चुकी थी, तो इसके लिए ना मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। तो मुझे लगा रहा था कुछ नया यूज करूँ, कुछ नया ट्राई करूँ। तो फिर ना उसके बाद में हम ना एक झूला ट्राई करने के बाद ना, बस कार वाले को ट्राई करने के बाद ना हम आ गए थे फिर से मार्केट तो नहीं, यानी कि मेला के अंदर में जो मार्केट होता है ना, वहीं पे अंदर पे मम्मा लोग सब पूरे घूम रहे थे। मम्मा को भी कुछ कुछ पसंद आया तो मम्मा भी टॉय की ले ली, और फिर मैंने टॉय तो मेरा तो ज़रूरी ही होता है, टॉय तो लेना ही है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मैंने ले ली थी, क्या पता है, स्मॉल सा फैन था जो कि बिल्कुल क्यूट सा, मेरे जैसा ही क्यूट सा लग रहा था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ना, तो मैं पापा को बोली मुझे चाहिए, पापा दिला दो। तो पापा मुझे ना तो कर ही नहीं सकते, फिर पापा ना दिला दिए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी था। फिर वहाँ से निकलने के बाद ना फिर यही देख ही सकते हो फिर आप हम लोग कहाँ पर आ गए। और यहाँ पे आने के बाद ना इसमें ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, मैं तो नहीं ट्राई कर पाई, अच्छे से मज़ा नहीं कर पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा जंप हो रहा था ना, इतना ज़्यादा हिल रहा था ना, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, नहीं कर पाई ज़्यादा मज़ा उसमें। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद ना फिर से यहाँ पर नंबर में लगा चुकी थी दूसरे वाले झूले के लिए, और ये था हेलीकॉप्टर वाले में। और इसमें ना मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि हेलीकॉप्टर वाले में मैं इससे पहले कभी भी नहीं बैठी हुई थी। कार वाले में तो मैं बहुत बार बैठ चुकी हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था। और उसके बाद इसमें भी बैठी ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। सारे चिल्ड्रन तो नीचे उतर गए थे, बट मुझे ना उतरने का मन ही नहीं हो रहा था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। डांस क्लास ख़त्म होने के बाद ना हम लोग 6 बजे एंट्री कर चुके थे मेला पे, और उसके बाद हम लोगों का टाइम कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला, कितना जल्दी टाइम निकल गया। सारा टाइम तो मैंने ही वेस्ट किया है, क्योंकि मैंने ही सारा टाइम पे पूरे टाइम यहाँ से वहाँ इस झूले पे, कभी उस झूले पे, फिर से यहाँ दूसरे झूले पे मेरा मन हो रहा था बैठने को। तो पापा को मेरे को देखा नहीं किया कि मैं सैड क्यों हूँ, तो फिर मुझसे पूछे तो मैं बता दी पापा मुझे इस पर भी बैठना है, तो फिर पापा मुझे इस पर भी बैठा दिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पता है आप सबको, इस वाले झूले पे ना जितने भी चिल्ड्रंस थे सब तो साथ में ही बैठे हुए थे, बट सब ना निकल गए झूले से, उतर गए, और मेरा मन नहीं हो रहा था उतरने का। मुझे तो मन हो रहा था कि काश अभी मॉर्निंग हो जाता और मैं पूरे रात यहीं पे रह जाती, पूरे दिन यहीं पे रहना पड़ता मुझे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और उसके टाइम हो गया था रात का 10, उसके बाद पापा बहुत गुस्साने लगे, चलो घर जल्दी चलो, और वैसे भी दूध आज हम लोग लेकर के गए नहीं थे, तो दूध जल्दी लेकर जाना होगा, क्योंकि नहीं तो फिर फट जाएगा, तो फिर मुझे पीने में दिक्कत हो जाएगा, मेरे खाने पे दिक्कत हो जाएगा। तो फिर सच में दूध लेकर के आए ना, यहाँ पे आ गई हूँ हम घर, और सच में दूध लेकर के वहाँ से आने के बाद ना दूध सच में फट गया, क्योंकि मेला पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था ना, तो गर्मी भी बहुत हो रही है ना, तो इसके लिए ना सच में दूध मम्मा बोली फट गया। और फिर यहाँ पे हम लोग अभी रोड के पास मैं खड़ी थी, और मम्मा की ढूंढ रही थी पर्स के अंदर, कहीं पे की मिलेगा तभी तो जल्दी से डोर ओपन होगा और फिर मैं अंदर जाऊंगा, और फिर वहाँ पे जो भी टॉय लिए हैं तो सारे टॉय को देखेंगे और मज़े करेंगे। तो चलो ब्लॉग को इन होने वाला है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।